आज की इस कक्षा में हम राशियों की तुलना पाठ के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या एक है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। अनुपात बराबर, तो इसमें जो पहले दिया हुआ है उसे हम पहले लिखते हैं। तो ये पहले फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं और ये कितने हैं, 11। तो ये होगा 11। अनुपात का ये चिन्ह होता है दो बिंदु, और इनका अनुपात किसके साथ है, बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ियों से, और ये संख्या है 4। तो यहां हम लिखेंगे 4। तो अनुपात हमारा हो गया 11:4। अब प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यह है 25:30 से। यहां एक चीज हम गौर करेंगे कि ये पहला मिनट में है और दूसरा सेकंड में है, तो किसी दोनों को एक ही अनुपात निकालने के लिए दोनों को एक ही इकाई में होना आवश्यक है। तो या तो हम मिनट को सेकंड में बदल देंगे या सेकंड को मिनट में बदल देंगे, तभी हम अनुपात निकाल पाएंगे। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इस मिनट को सेकंड में बदलते हैं। तो 25 बराबर 25×60। चूंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से हम इसे गुना कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा अनुपात हो जाएगा 25×60/30। तो देखिए ये कटेगा 30 से 30 का 30 और 30 × 60, तो ये हो गया हमारा 50/1, अर्थात 50:1। ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरा प्रश्न में भी आप देखिए कि ये पैसे में है और ये रुपए में है, तो इस रुपए को पहले हम पैसे में बदल देंगे। तो 2 रुपये बराबर हो जाएगा 2×100। अच्छा, यहां पर एक छूट गया था, ये सेकंड है। तो अब तीसरे प्रश्न में जो हमारा अनुपात जो चाहिए वो होगा 75/2×100। ये हमने रुपए को पैसे में बदल दिया है, तो 25 से अगर हम इसको काटेंगे तो ये 25 × 75 और ये 25×100, तो ये आ गया 3/8, अर्थात ये अनुपात हो गया 3:8। अब प्रश्न संख्या 4, यहां है 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से। तो 3 दर्जन अर्थात 3×12 अर्थात 36। हम जानते हैं कि एक दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। कोई भी वस्तु अगर हम 3 दर्जन पेंसिल की बात कर रहे हैं तो ये हो गया 36 पेंसिल, इसलिए अनुपात बराबर पहले 20 है, 20 पेंसिल है और इसके बाद है 3 दर्जन, यानी
36। अब इसे हम काटते हैं, 4 से 4 पचे 20 और ये 4 नवा 36, अर्थात 5/9, अर्थात ये हो गया 5:9। प्रश्न संख्या 2, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। पहला प्रश्न है, झारखंड के गांव तथा शहरों की जनसंख्या का अनुपात बराबर 4:1। तो हमें बताना है कि झारखंड के गांव में जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या है और जो शहरों की जनसंख्या है उसका प्रतिशत क्या है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये हल किया जाता है। तो ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे, हमें चाहिए गांव की जनसंख्या का प्रतिशत, ये निकालना है सबसे पहले। तो इसे हम इस तरह से करेंगे, पहले 4 है, गांव के जो अनुपात है वो 4 है, तो ये 4/, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, 4 और 1 5। अब चूंकि प्रतिशत निकालना है तो ये 100/100 इससे गुना करते हैं। तो हम देख रहे हैं 5 से इस 100 को हम काटते हैं तो ये 20 बार में आता है, तो ये हो गया 80/100, अर्थात 80%, 100 में 80, ये गांव की जनसंख्या है 80%। अब ठीक इसी तरह से शहरों की जनसंख्या का प्रतिशत तो ये हो जाएगा 1/5 × 100/100। तो फिर ये 5 से यहां काटेंगे, ये 20 बार में, तो ये आ गया 20/100, अर्थात 20%। अब प्रश्न संख्या 2, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात है 3:2। तो आयत की लंबाई का प्रतिशत क्या है यहां और चौड़ाई का प्रतिशत क्या है, ये निकालना है। आयत की लंबाई बराबर ये हो गया 3/5, यानी 5 में 3 आयत की लंबाई है। तो और इसे अब हम 100 में निकालना चाहेंगे, अगर 100 है तो 100, अगर दोनों का योग 100 है तो इसमें आयत की लंबाई क्या होगी, 100/100, ये 5 से 20 हुआ, ये आ गया हमारा 60/100, अर्थात 60%। अब है आयत की चौड़ाई, तो ठीक इसी तरह से ये भी होगा, 2/5 × 100/100। तो ये 5 से ये कटा तो हमारा 20 आ गया और ये हो गया 40/100, अर्थात 40%। प्रश्न संख्या 3, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात 7:3। तो हमें यहां बताना है कि कितने प्रतिशत छात्र गणित की परीक्षा में पास किए और कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित की परीक्षा में फेल किए। तो गणित की परीक्षा में पास करने वाले ये 7:3 है, पहला ये पास करने वालों का अनुपात है,
तो ये 7 बटा इन दोनों को जोड़ देते हैं, कुल ये 10। अब प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसे 100 बटा 100 ये गुना कर रहे हैं, तो ये 0 और ये 0 कट गया, तो ये आ गया हमारा 70 बटा 100। यानी 100 में 70 बच्चे गणित की परीक्षा में पास कर रहे हैं, और इसे हम कहते हैं 70%। अब ये दूसरा गणित की परीक्षा में फेल करने वाले, तो ये हो गया 3 बटा 10 गुना ठीक पहले की तरह, तीस बटा सौ, यानी 100 में 30 बच्चे फेल कर गए, अर्थात कितने प्रतिशत फेल कर गए, 30%। प्रश्न संख्या 3। 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। पके हुए आम ये कितने हैं, 50 का 60%। 50 आम में 60% पके हुए हैं, अर्थात 50 का यानी गुना 60% को हम लिखते हैं 60 बटा 100। तो ये 0 और ये 0 कट गया, और ये 0 और ये 0 कट गया, तो ये बच गए हमारे 5 6 30, अर्थात पके हुए आम कितने हैं, 30। बिना पके हुए आम तो हम आराम से निकाल सकते हैं, 50 में 30 पके हुए हैं, तो बिना पके कितने होंगे, 50 से 30 हम घटा देंगे, तो ये आ गए हमारे 20 आम। अब प्रश्न संख्या 4। राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया, यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रथम से दसम वर्ग तक यानी 10 बार की बात हो रही है, इसमें 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो द्वितीय श्रेणी ये कितनी बार है, 4 बार, तो प्रथम श्रेणी कितनी बार होगा, कुल 10 है तो 10 घटाओ 4 यानी 6 बार। अब इसी को हमें प्रतिशत में दिखाना है, इसलिए प्रथम श्रेणी बराबर प्रतिशत में अब इसे दिखाएंगे, 6 बार है, कितने बार में, 10 बार में, 10 बार में 6 बार इसने प्रथम श्रेणी लाया है, तो 100 में कितना आएगा, यही प्रतिशत का अर्थ हो गया, तो 100 बटा 100, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 60 बटा 100। यानी अगर 100 बार होता उसने परीक्षा दिया होता तो 60 बार उसे प्रथम श्रेणी आता, अर्थात 60%। प्रश्न संख्या 5। मोइन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपये बचाता है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने रुपए थे, यानी उसका कुल वेतन क्या था, तो यहां खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है 80%, तो इसका अर्थ हो गया कि बचत का प्रतिशत कितना होगा, 100 से हम 80 घटा देंगे यानी 20%। इस 20% का अर्थ यह हुआ कि 100 रुपया उसका वेतन था तो वो 20 रुपया बचाता था,
तो हम एक एक नियम से इसे हल करते हैं। जब बचत 20 रुपया है तो उसका कुल वेतन कितना है? 100 रुपया। और जब बचत 1 रुपया है तो उसका कुल वेतन कितना होगा? 100/20। और जब बचत उसका 180 रुपये होगा तो इसका कुल वेतन क्या होगा? ये हो जाएगा 100/20 × 180। एक एक नियम हम इसी तरह से हल करते हैं। ये शून्य कैंसिल हो गया, ये 2 से 9 यानी 900 रुपया। तो उसका कुल वेतन क्या हो गया? 900 रुपया। प्रश्न संख्या 6। चाय, कॉफी, केवल दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यहां पर देखिए वृत्त चार्ट में दिया हुआ है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो पहला, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत क्या होगा? कुल तो 100% होता है, तो 100 से हम घटा देंगे इन तीनों का योग, यानी चाय पीने वालों का, कॉफी पीने वालों का और दूध पीने वालों का। तो देखिए 100 घटाओ 40 जोड़ 30 जोड़ 20 यानी 100 घटाओ 90 यानी आ गया ये 10%। तो अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत है 10%। अब प्रश्न संख्या 2 है। चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी 220 का। ये तीनों मिला के कितने प्रतिशत है? 90% है, यानी 220 का 90%, यानी 220 × 90/100। ये शून्य और ये शून्य कैंसिल हो गया, ये शून्य और ये शून्य। अब 22 × 9 करते हैं, 9 × 2 = 18 का 8, हाथ में रहा 1, 9 × 2 = 18 और 1 = 19। तो चाय, कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या हो गई 198।